अयोध्या गैंगरेप के मामले में कार्रवाई तेज करते हुए एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही रेप केस के मुख्य आरोपी मोइन खान की संपत्तियां को भी अब जांच की जा रही है। सीएम योगी ने शुक्रवार को ही पीड़िता की मां से मुलाकात की थी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया था। मुख्य आरोपी के समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की बात सामने आने पर अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अयोध्या गैंगरेप कांड में सीएम योगी का एक्शन, एसएचओ और चौकी प्रभारी सस्पेंड, आरोपी के खिलाफ होगा बुलडोजर एक्शन। अयोध्या में बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम योगी के पीड़ित नाबालिग के परिवार से मुलाकात के 5 घंटे बाद पूल कलंदर थाने के एसएचओ रतन शर्मा, चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ फॉरेन एक्शन नहीं लेने और एफआईआर दर्ज करने में देरी पर एक्शन लिया गया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्तियों की भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की जाँच शुरू कर दी है। आरोपी मोहित के तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। जांच में अवैध संपत्ति या कब्जा पाया गया तो बुलडोजर एक्शन होगा। सवाल है प्रॉपर्टीज का, वो जस्ट चेक किया जा रहा है, इल्लीगली क्या है और कैसा। सीएम योगी ने शुक्रवार को पीड़िता की मां से लखनऊ में मुलाकात की और भरोसा दिया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार को आश्वस्त किया कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार पीड़िता को 100% न्याय दिलाएगी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निरंतर न्याय दिलाने का काम हो रहा है। और इसके साथ साथ माननीय महाराज जी ने यह भी आश्वस्त किया कि पीड़िता परिवार को आर्थिक सहायता की भी जरूरत होगी, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी और इस सरकार में सबको न्याय मिल रहा है तो निश्चित ही हमारी विधानसभा भी इसको न्याय मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने वो कई बार लोकल पुलिस चौकी गई, लेकिन पुलिस वाले मोहित खान का नाम शिकायत से हटाने और सिर्फ उसके नौकर राजू का नाम शिकायत पत्र में डालने का दबाव डालते रहे। पीड़िता की मां ने मोहित और उसके नौकर की करतूत के बारे में बताया और उन्हें फांसी देने की मांग की। तो वही राजू और मोहित रहे, कहीं नहीं आओ पापा ले जा, तो पापा जोन बाटे राजू भी रहे मोहित, तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर मार बिटिया लेके आए तो पूछे 2 महीने के बाद का भवा, तो कहीं जो वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं, जांच कराएं, जांच पे निकला 2 महीने का लड़का, चौकी गए, चौकी नहीं सुनवाई भाई, फिर थाना है, थाना पे कहीं जन बाटे उनका नाम काट दिया, राजू का नाम डाला, फांसी हुआ उनका। 12 साल के बच्ची से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू खान पर है। दोनों वीडियो बनाकर पीड़िता के साथ 2.5 महीने तक बलात्कार करते रहे। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की 2 महीने की गर्भवती हो गई। इस वारदात पर अयोध्या में भारी आक्रोश है और सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि भदरसा में पुलिस चौकी भी मोहित खान की जमीन पर चलती थी। जब पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने आनाकानी की। परिवार का आरोप है कि 30 घंटे तक मामले की FIR दर्ज नहीं हुई है। केस में नौकर को आरोपी बनाने का पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया गया। एक आरोप यह भी है कि पुलिस ने सादे पन्ने पर महिला का अंगूठा लगवाया है। बताया जा रहा है कि मोहित खान समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है और इलाके में उसका काफी रसूख है। मोहित खान समाजवादी पार्टी से भदरसा का नगर अध्यक्ष है। मोहित खान का भदरसा में बेकरी की बड़ी फैक्ट्री है। मोहित खान के पास करोड़ों की जमीन और प्रॉपर्टी है। इलाके में मोहित खान की कई बिल्डिंगे हैं जिनसे मोटा किराया आता है। मोहित खान की जमीन पर जो लोकल पुलिस चौकी थी, वारदात सामने आने के बाद उसे वहां से शिफ्ट कर दिया गया, यहां से हटाया गया है। चौकी में अब ताला लग गया है। देखिए स्वतंत्र कुमार मौर्य SI चौकी प्रभारी भदरसा, और अब फिलहाल यहां पर ताला लग गया है। वजह बताई जा रही है कि जो जमीन है वो ग्राम समाज की हो सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि मोहित खान ने चौकी के लोगों को दिया था इसको रखने के लिए। हालांकि ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जांच के बाद साफ हो पाएंगे कि इस पूरे मामले का सच क्या है, लेकिन फिलहाल जो भदरसा चौकी है उसको यहां से स्थानांतरित कर दिया गया है, चौकी को यहां से बंद कर दिया गया है। मोहित खान की समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश कुमार के साथ कई तस्वीरें भी सामने आई हैं।
जिसमें वो साथ में प्रचार करते मीटिंग करते नजर आ रहा है। लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी ना ही अवधेश प्रसाद इस पर कुछ बोल रहे हैं। सर, जो आरोपी है बच्ची के बलात्कार का, वो आपका करीबी बताया जा रहा है, आप जानते हैं उसे? अरे सुनो भाई, मैं कल फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ, जानकारी लूंगा कल। अरे भाई लेट मी शो। अवधेश जी, तस्वीरें भी देखिए आपकी, तस्वीरें तो आपके भी साथ है। रोज फोटो लेते हैं, कोई कहता हमें यहाँ हाथ रख दो, कोई कहता सिर पर रख दो, अब आप भी आए हैं, आपके साथ भी मेरा फोटो हो रहा है। तो सुनिए, मोहित खान नो नहीं जानते, सुनिए, सीएम का बयान आया है। सीएम को तो देखो ऐसा है, दिल्ली वाले परेशान किए हैं, इसीलिए कल बोल गए हमें सम्मान मठ में मिलेगा। दिल्ली वाले उनको परेशान किए हैं और इसलिए आज उनके जो भी बयान हो रहे हैं जो भी, एंड ही इज वेरी वेरी डिस्टर्ब। ऐसा है जी, सुनो जी, जी सर, मैं जा रहा हूँ कल, ठीक है, फैजाबाद जा रहा हूँ। सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? जैसा आप लोग कह रहे हो, अगर ऐसी कोई घटना है तो कोई भी दोषी बचने न पावे और कोई निर्दोष फंसने न पावे, दोषी बचने न पावे। गैंगरेप कांड पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने मोहित खान पर चुप्पी साधने और अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए, तो समाजवादी पार्टी के नेता भी कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। इनका पीडीए धोखा लड़ाता है, वो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए है, एक धर्म विशेष के लिए है। उस जाति विशेष के धर्म विशेष के आदमी अपराध करें तो कोई बात नहीं है, बाकी फिर पीडीए चलता है, उनको पूरा संरक्षण है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब चौकी में पहुंचती है पीड़िता तो कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि चौकी आरोपी के घर में ही हुआ करती है। इसलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने पूरी पूरी चौकी को वहां से हटाने का काम किया, उनके और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया, और इसमें और लगातार जांच चल रही है। और यहां पे यह भी पता चला कि ये कोई पहली घटना नहीं थी, इस तरीके से उन लोगों ने और भी घटनाएं की हैं जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, तो भी जांच होगी, उन पर भी कार्रवाई होगी। किसी विद्वेष, किसी बदले की भावना से कार्रवाई न हो, इसकी पूरी जांच हो, और जो लोग भी छोटी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ दुराचार करते हैं उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन पूरे प्रदेश में जंगल माफिया गुंडा राज कायम हो गया है। प्रयागराज में भी एक ऐसे ही घटना हुई और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे। तो हम लोगों का कहना है कि जो भी अपराध करे उसको दंड मिलना चाचाहिए। अयोध्या गैंगरेप कांड के मामले को सीएम योगी विधानसभा में भी उठा चुके हैं। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर इस मामले में अपने नेता पर एक्शन नहीं लेने पर सवाल उठाए थे। आने वाले दिनों में इस मामले में प्रशासन के एक्शन के साथ सियासी रिएक्शन भी खूब देखने को मिल सकता है।